गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे इज आवर सेकंड क्लास फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट क्या होता है वो समझा था, कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर प्रेफरेंसेस, कॉम्पेंसेशन फॉर रिस्क. फर्दर हमने देखा था इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर ग्रोथ बोल के कोई फैक्टर है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आ सकता. उसमें भी हमने देखा था कंपाउंडिंग, आज से फ्यूचर में जाना है, और एक डिस्काउंटिंग, फ्यूचर से आज में आना है. तो उससे रिलेटेड हमने काफी सारा होमवर्क्स आपको दिया था, राइट. सो लेट अस क्विकली डू दोज होमवर्क्स फर्स्ट. थोड़ा फटाफट कर लेंगे. 5, 6, 7, 9, 10 इस टाइप का से आपको होमवर्क मिला था. चलिए क्विकली करेंगे, आप लोग करके आए, आप लोग सीधा मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है. यू सिंपली टेल मी द आंसर्स. ये हमने टेबल देख लिया था क्लास क्लास. इलस्ट्रेशन 5. सो लेट अस डू, यहीं पे कर लेते अपन. मिस्टर नदीम ओन्स अ टोटल ऑफ 3060 विच इंक्लूड्स 12% इंटरेस्ट फॉर द 3 इयर्स ही बोरोड द मनी, राइट. सो मिला के 3060 है तो आज कितना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या होता है, एफ इंटू PVIF, बोल सकता हूं 12% कॉमा 3 ईयर है ना. सो इट इज 3060 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर में 3, राइट. सो 3060 इंटू करो, वन डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 0.7118. मल्टीप्लाई करके कितना आया, 2178.11 ले लो, जो भी अप्रोक्स, ठीक है. एक कैलकुलेटर ले आना फ्रूटी यहां से. नंबर 6, रमेश वॉन्ट्स $2,000 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, द कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट टूडे, सेम. सो इट इज 2000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर क्यूब, सिंपल. सो 2000 इंटू क्या करना है, टाइप 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू कितना, 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू 7938, मल्टीप्लाई करने से 1587.6. क्विकली करेंगे, होमवर्क था. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑफर ऑफ 14,000 2 ईयर फ्रॉम नाउ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, ये पैसा कहीं यहां नहीं लगा के कहीं और लगाते तो इतना रुपया कमाते. मेरे घर पे पैसा पड़ा हुआ है, उसका कॉस्ट होगा ना. इस पैसा को यहां नहीं लगा के कहीं और लगाते तो, जैसे मान लो अगर मैं किसी भी बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट प्रॉफिट फोरगोन फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हाईएस्ट प्रॉफिट फोरगोन फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट. तो मैंने 5 लाख रुपया धंधे में लगाया, तो धंधा से कम 9% का ब्याज आना, मुनाफा आना चाहिए. क्यों, क्योंकि 5 लाख को FD करते तो 9% इंटरेस्ट मिलता हर साल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो मनी हैज टाइम वैल्यू, वेदर इट इज यील्डिंग द वैल्यू
or whether it could have yield if the money would have invested elsewhere, right? So this is 14,000 into 1 divided by 1.17 power mein square. equal to 7305. 14,000 into 1.ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, सिंपल है ये सब. How much would you have to deposit today to have 10,000 in 5 years at 6% discounted quarterly? 6% discounted quarterly मतलब 4 साल में साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 5 साल में 20 बार कंपाउंडिंग. हाँ, yes or no? So you know present value equals to future value into 1 plus i bol sakte interest to the power n f into 1 divided by 1 plus i by m power mein m hai na, boliye. So f into 1 divided by 1 plus 0.06 by 4, 5 into 4, laws of indices. .015 power mein 20. To isko apne likh sakte na, F into PVIF 1.5% comma mein 20 year. बोल सकता हूं ना, 1.5%, 6 को डिवाइड बाय 4 किया तो 1.5% आया और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 साल 20 टर्म. सो व्हाट इज द फिगर? 10,000 इज द डिपॉजिट मनी. 1 डिवाइड बाय 1.015 पावर में 20, 1 डिवाइड बाय 1.015, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. कितना आ रहा है ना? 20 बार कंपाउंडिंग हो रहा है. एकदम सिंपल फंडा है. ₹15,000 आज से एक साल बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% पर ईयर नॉमिनल रेट कंपाउंडेड मंथली. ठीक है ना? सो क्या करना है? P इज इक्वल्स टू
15,000 into 1 divided by 1 plus 0.12 by 12 और 1 into 12 एक साल 12 बार कंपाउंडिंग होगा, जिसको क्या बोल सकते हैं 15,000 into 1 divided by 1 plus 0.01 पावर में 12, मतलब 1% फॉर 12 ईयर, 0.01 मतलब 1% रेट हो गया ना, 12 बार साल में कंपाउंडिंग हो रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, 15,000 PVIF 1% कॉमा 12 ईयर, 15,000 इंटू करो 1 डिवाइडेड बाई, पहले 1% का फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस 0.01, पहले फैक्टर बनाएंगे हमेशा इस चैप्टर में, हमेशा पहले फैक्टर बनाएंगे, कंपाउंडिंग 1 प्लस आई, डिस्काउंटिंग भी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, कंपाउंडिंग इंटू इक्वल्स टू करेंगे, फिर एन माइनस 1 टाइम्स इक्वल टू, और डिस्काउंटिंग में जितना बार इक्वल टू, यहां पे इंटू नहीं कर रहे अपन, राइट, सो 1 डिवाइड बाई 1.01 इक्वल टू एक बार हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने का दरकार नहीं है, कैलकुलेटर यहां चल रहा है, ध्यान उधर नहीं, इधर ही रहेगा, फिगर चेंज हो रहा है कि नहीं देखना पड़ता है, राइट, हमेशा कितना आ रहा है 0.8875, करो 15,000 इंटू 0.8875 1,33,12.5, तो ये छोटा छोटा टंग ट्विस्टर्स हमने कराया आपको, क्या बोलो, ठीक है, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्या है ये कंपाउंडिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं FVIF, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, I परसेंट कॉमा N, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, I परसेंट कॉमा N, ठीक है, एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट, हाँ है ना, पक्का है ना, ये पी और ये एफ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर, एग्जाम्पल जीरो कूपन बॉन्ड, नाउ जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, आप आज इन्वेस्ट करते हैं और आपका मैच्योरिटी कुछ साल बाद होता है, बॉन्ड मतलब डिबेंचर, और जीरो कूपन मतलब साल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट, सपोज इसका मैच्योरिटी वैल्यू है 10,000, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी 10,000 है, राइट, जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी कितना है 10,000, अभी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 9%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 9% पर एनम, और इसका मैच्योरिटी 3 ईयर्स है, तो तुम तो देखना चाहोगे ना तुम्हारे हिसाब से इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, करो
ये 10,000 का तुम्हारे हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर ये पैसा तुम यहां नहीं लगा के कहीं और कमाओ लगाओगे, राइट? तुम पैसा यहां नहीं लगा के कहीं और लगाओगे तो तुम कितना कमाओगे, है ना? कितना कमाओगे बोलो? 9%। तो तुमको इस ZCB का वैल्यू देखना है। क्या करना है? जीरो कूपन बॉन्ड मतलब डिवेंचर होता है एक टाइप का। डिवेंचर में आपको मालूम है ना, कुछ साल बाद पैसा वापस मिल जाता है, आज इन्वेस्ट करेंगे। और जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट, राइट? जीरो इंटरेस्ट। अपन इतना सारा प्रेजेंट वैल्यू निकाले, अब रियल लाइफ में उसको लगाना कहां, ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो 10,000 इसका मैच्योरिटी वैल्यू होता है। कितना? सपोज करो 10,000 इसका मैच्योरिटी वैल्यू है, आज से 3 साल बाद आपको 10,000 मिलेगा, तो आज इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो तुम्हारे हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, फैक्टर क्या है, 1+0.09 ना, 1.09 पावर में 3, राइट? करो 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.09, एक बार, दो बार, तीन बार, कितना रहा? 0.7722। तो ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू एज पर इन्वेस्टर, ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अभी सपोज मार्केट में केस वन, ZCB इज ट्रेडिंग एट 7918, तो तुम्हारे हिसाब से ये अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है? बाजार में इसका दाम ज्यादा है कि कम है? तो तुम क्या बोलेगा, महंगा है क्या, ओवर प्राइस्ड, विल यू बाई इट? समझ गया ना? हाँ, तो तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे? नहीं। लेकिन यही मान लो दूसरा केस, ZCB इज ट्रेडिंग एट 7918, लपक लेंगे क्या, फटाक से खरीद लेंगे, मस्ट बाई? तो रियल लाइफ में इसको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू क्या करते हैं, राइट? तो जीरो कूपन बॉन्ड का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तुमको सस्ते में मिलता है, यू गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आई एम गेटिंग इट अ डिस्काउंट, इसमें मैच्योरिटी एक बेयरर बॉन्ड की तरह होता है, ये रेस टू में दिखाया है, बॉन्ड्स, बेयरर बॉन्ड्स, राइट? यूएस में बॉन्ड मार्केट बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, इंडिया में बॉन्ड मार्केट उतना ज्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं है, राइट? तो ये बॉन्ड आपको 10,000 रुपए देगा आज से 3 साल बाद, कितने में मिल रहा है, कितने में मिल रहा है? 9,000 में मिल रहा है, कौन खरीदेगा? सीधा मना कर दे, क्यों? आज 9,000 लगाएगा, इस 9,000 पे मेरे को मिलेगा 10,000, तो 3 साल में 1,000 ही कमा सका, लेकिन तुम्हारा औकात क्या, उससे भी ज्यादा। तो अपना औकात समझो, तुम्हारा औकात है 9% का, तो पहले तुम 9% के हिसाब से इसका वैल्यू निकाल लो। तुमने 9% के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाली, इतना आना चाहिए। अब इससे ज्यादा है ना भैया, नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, डोंट बाय। यही मान लो अगर किसी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6% होता, कम है उसका उम्मीद,
इंटरेस्ट रेट अगर किसी का कम है, किसी का एक्सपेक्टेशन अगर कम है, तो डोंट यू थिंक इसका वैल्यू ज्यादा आता? अगर मैं यहां 9 नहीं लेके 6 लूंगा तो ऑब्वियसली इसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा ना। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा तो केस वन के हिसाब से भी ये अंडर प्राइस्ड होगा। अभी क्या कुछ लोगों के लिए ये ओवर प्राइस्ड है, कुछ लोगों के लिए अंडर प्राइस्ड है? 9% वालों के लिए इस केस में ओवर प्राइस्ड है, इस केस में अंडर प्राइस्ड है। वही अगर मैं 6% करूं, एक बार करता हूं, 1/1.06 इक्वल टू 0.8396 आ रहा है। इनटू मैं 10,000 कर दूं तो इसका वैल्यू आएगा 8396। तो मेरे हिसाब से इसका वैल्यू 8396 होना चाहिए। दोनों ही केस में अंडर प्राइस्ड है, खरीद लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट रेट और प्रेजेंट वैल्यू में इनवर्स रिलेशनशिप है? जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा प्रेजेंट वैल्यू उतना कम आएगा। आया ना? कैन आई से यस और नो? तो रिमेंबर, इंटरेस्ट रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, प्रेजेंट वैल्यू गिरेगा। इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा। जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा उसका वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, अकॉर्डिंगली ओवर प्राइस अंडर प्राइस मालूम चल जाएगा। इज इट ओके? हाँ? चलो, अब जो मैं बता रहा हूं एन्यूटी, एन्यूटी होता है सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, रेदर टू से सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक पेमेंट। राइट, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक पेमेंट। एक आदमी है, जो 60 साल का है, ठीक है, अब ये रिटायर कर गया है, इसको लगता है 70 साल तक जिएगा, तो इसको हर साल कुछ ना कुछ चाहिए घर चलाने के लिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट में 10 साल कितना चाहिए? ये बोलता है 20,000।
हर साल 20,000 मिलेगा तो मेरा काम हो जाएगा, जिससे कि इसको कहीं पे हाथ फैलाना नहीं पड़े। क्लियर? तो सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स हो गया। अब इसको यह जानना है कि मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं, इसको पेंशन बोलते हैं, समझ में आया ना, पेंशन स्कीम है ये। बोला आज कितना इन्वेस्ट करूंगा जिससे कि हर साल 20,000 करके मिलते रहे आने वाले 10 सालों तक। तो क्या करना है, इन सभी का क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, और ये सबको हम क्या बोलते हैं, एन्यूटी। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, मतलब पेंशन फंड में कितना इन्वेस्ट करूं आज। अच्छा, पेंशन फंड में मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ये भी जानना पड़ेगा। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% चल रहा है, इंटरेस्ट रेट आई, है ना, तो करना क्या है सर, आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो 20,000 जो एक साल बाद मिलेगा उसको करेंगे 1/1+i, एक साल का डिस्काउंटिंग। अच्छा ऐसे करो, एक काम करो, वन डिवाइड बाय 1+i प्लस 20,000 इंटू 1/1+i का स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट अप टू 20,000 इंटू 1/1+i का पावर में 10, है ना। इन सभी का प्रेजेंट वैल्यू लेना है ना मेरे को, तो मैं 20,000 कॉमन ले लेता हूं, अंदर में क्या बचेगा, 1/1+i, 1/1+i का स्क्वायर, 1/1+i का क्यूब, प्लस डॉट डॉट 1/1+i टू द पावर n 10। इसको बोलते हैं सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज। तो सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज जब लगाएंगे 20,000 इंटू
सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला बोलो, सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन, है ना? वही होता है, तो बोलो क्या होता है, हमको क्या मालूम। ये तो मैं सॉल्व करके बताया हूं, इसका फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला बता देता हूं। सम ऑफ जीपी सीरीज इक्वल्स टू वन माइनस आर टू दी पावर एन बाई वन माइनस आर, वेयर आर इज इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। हम लोगों को यहां पे ध्यान देना, आर यहां पे क्या है? What is R for us? देखो हर साल पावर में बढ़ रहा है, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई मल्टीप्लाई हो रहा है एवरी ईयर, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई एवरी ईयर मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग? राइट ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो अगर फर्स्ट टर्म इसको मानेंगे वन डिवाइड बाय वन प्लस आई एवरी ईयर मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम लोग को ये डिराइवेशन आएगा नहीं, बट फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं। ये हो रहा है हमारा, ये राइट ए होगा हमारा वन प्लस आई, सॉल्व करो। इसको इसको काट देंगे, वन वन कट जाएगा, अल्टीमेटली यही बचेगा। किसी का मैथ अगर स्ट्रांग है उसी को समझ में आया होगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और हर साल कॉमन रेशियो देखो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आई से पावर बढ़ रहा है, तो सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन कॉमन रेशियो का पावर एन बाई वन माइनस आर। ये ए लिखा हमने, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन ए। आई हमारा ये था कॉमन रेशियो, उसका पावर में एन आ गया, और वन माइनस आर अलग से सॉल्व किया,
सॉल्व करने के बाद ये इसका डिनोमिनेटर में, ये इसका डिनोमिनेटर में कट गया, यहां वन वन कट के आई बचा, सो दिस बाई आई, वही लिखा है देखो हमने यहां पे, दिस बाई आई। तो तुमको अल्टीमेटली ये याद रखना है, ठीक है? अगर तुमको ये नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, डिराइवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है? बाकी ये फंडा क्लियर है, हमको इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू तो इस तरीके से निकलेगा, आया ना? पहला साल में जो पेंशन मिलेगा उसको प्रेजेंट में लाना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर का लगाया, फिर लगाया डिस्काउंटिंग फैक्टर सेकेंड ईयर का, ये लगाया डिस्काउंटिंग फैक्टर टेंथ ईयर का, इस तरीके से लगा, हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाए, राइट? उसका एक कॉमन ले, 20,000 कॉमन लेके ये शॉर्टकट है, सॉल्व करेंगे अब हम लोग। वन पॉइंट वन पावर में टेन बाय पॉइंट वन, है ना? बीस हजार इंटू, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग पी वी आई एफ ए बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होता है वैसे 10 साल का एन्युटी फैक्टर का भी टेबल है। एक तरीका क्या है, फॉर्मूला में नहीं जाना, 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर एक जगह लिखो, उसका टोटल कर लो, बात वही है। देखो पहला साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, टेंथ ईयर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड, ऐसे करके 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, निकाल के अलग अलग आप टोटल के, जैसे आप 1 डिवाइड बाय 1.1 करते हैं इक्वल टू पहला साल का है लिख लीजिए, दूसरा साल का लिख लीजिए, ऐसे करके 10 साल का टोटल, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है सर, ये फॉर्मूला, इसमें पहले 10वां साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे, 10th ईयर का, फिर 1 से उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय आई करेंगे, वही आंसर आएगा, राइट? तो जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है वैसे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्यूटी भी होता है, आई परसेंट कॉमा एन, राइट? तो मेरे को क्या करना है, पहले 10वां साल का फैक्टर निकालना है, काम करो सुनो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, पहला साल का आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0.3855, हाँ या ना? तो 20,000 इंटू 1 माइनस 0.3855 बाय 0.1, यही तो है। अब वापस से ऑन बटन दबा दो, 1 माइनस 0.3855 जो आएगा 0.6145 आया, उसको डिवाइड बाय 0.1 करेंगे तो 20,000 इंटू 6.145, तो इसका स्टेप्स क्या हो गया, टाइप 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई, ठीक है? इक्वल टू एन टाइम्स, ठीक है? इसको कहीं लिख लो, देन ये स्टेप वन, देन वन माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर एनथ ईयर,
ठीक है, देन जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है आई से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो, क्या इक्वल टू दबा, पहला साल हुआ 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, पहला साल हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया। हाँ देखो जीटी बटन होगा एक तो, देखो 6.145 आ गया। तो जीटी बटन होता है ग्रैंड टोटल, जितना बार भी आप इक्वल टू दबाए उन सब का टोटल। तो इक्वल टू में क्या है, हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो अगर जीटी बटन है इसका दरकार नहीं है, जीटी बटन है तो इसका दरकार नहीं है, सीधा ये आ जाएगा। कितना आ रहा है बोलो, 20,006.145, 122,900। डबल जीरो है, 6.145 है। ठीक है, बहुत सारा तरीका है, अब एक बात और ध्यान से समझना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कहां कहां लगेगा, पेंशन में लगेगा, आज कितना इन्वेस्ट करना है जिससे कि इतना इतना पेंशन मिल सके। लोन जब लेते हैं, लोन में भी तो यही होता है ना, आपने घर लिया है राइट, 1 करोड़ का लोन ले लिया, किश्तों में पैसा देते हैं ना आने वाला 20 साल तक, तो किश्त मालूम है और इंटरेस्ट रेट भी मालूम है तो लोन अमाउंट आ जाएगा, और अगर लोन अमाउंट मालूम है किस निकालना है वो भी हो जाएगा। सपोज करो मैंने लोन लिया 10 लाख का, ठीक है, आई 10%, रीपेमेंट इन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर वन, अभी से नहीं 1 साल बाद। एक और ए बना लेते हैं। हा तो ये एन्युटी तो किस्त हो गया ना, ईएमआई, दिस इज व्हाट, ईएमआई हाँ है ना। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी लगा दो ना, इसमें भी आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी लगा दो, प्रॉब्लम क्या है। लगा सकते कि नहीं लगा सकते, करके बताओ तुम लोग, किस्त कितना आएगा। करके बताइए,
पहले फॉर्मूला में बताओ, पीवी ए इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आई टू द पावर एन होल बाय आई, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये 10 लाख मालूम है, इसको मैं लिख सकता हूं पी वी आई एफ ए आई परसेंट कॉमा एन ईयर, हाँ या ना? हाँ बोलो, मैं इस पोर्शन को अलग से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन सर दरकार के हमको तो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। सो क्या करना है, वन डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू 10 टाइम्स जीटी बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी बटन, तो 10 लाख ए इंटू ये वाला पोर्शन कितना आ रहा है, 6.145 तीन डेसिमल प्लेस तक लिया है, चार लेना है तो 6.1445 अब क्या होगा, इसको इधर ले जाओ डिनोमिनेटर में, वन सिक्सटी टू सेवन फोर सेवन पॉइंट वन सेवन, डन। चलो नंबर 13, एक आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है
ordinary annuity that pays 50,000 per year for next 25 years. ठीक है, या तो हर साल 50,000 करके ले लो, तो इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा पहले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज एन्यूटीज 6% के हिसाब से, या आज तुम 6.5 लाख ले लो, तो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि माय एक्सपेक्टेशन इज 6%, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कब लगता है पेंशन स्कीम में, लोन में, राइट? सर बहुत आसान है ये तो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालना है 50,000 इंटू PVIFA 6% कॉमा 25 ईयर, है ना, 1/1.06, यस और नो, इक्वल टू एक बार हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, पच्चीस वाला में आएगा 0.3229 ऐसा कुछ आ रहा है, और जीटी बटन दबा देंगे 12.7833, 50,000 इंटू 12.7833 639, पगला है क्या, 6.5 लाख लेंगे, ज्यादा लेंगे ना, इसमें प्रेजेंट वैल्यू कम आ रहा है, थोड़ा ये बढ़ाओ, 55,000 करो, तब प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा, यही अगर देना रहता तो कम वाला देते ना, अभी लेना है, राइट? 6% के हिसाब से ये आ रहा है, देयरफॉर वी विल गो फॉर लमसम पेमेंट, ठीक है? डन एवरीवन। अच्छा, अभी मैं आपको
इसका लोन शेड्यूल बना के दिखाऊंगा। ये जो मैंने पढ़ाया ना, राइट, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किस्त है, ब्याज हमारा 10%। अब लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल मतलब इसमें इंटरेस्ट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा। टेक्निकली स्पीकिंग 10 साल है, 10 लाख का लोन है, तो आप अगर आपका एक एक किस्त इतने का है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट पेड कितना, 162747.17 × 10, है ना? मैं आने वाला 10 साल में इतना किस्त दूंगा, लोन कितने का है, एक्स्ट्रा कितना दिया, इसी को तो इंटरेस्ट बोलते हैं ना, कॉम्पेंसेशन। इसी को तो इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन दिखाया अभी आपको, शेड्यूल नहीं बनाया, शेड्यूल आप बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिगिनिंग अमाउंट 10 लाख का लोन था, एनुअल इंस्टॉलमेंट। जैसे लोन वगैरह में आप लोग देखेंगे कि मंथली होता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, बट यहां पे एनुअल इंस्टॉलमेंट, इजी एनुअल इंस्टॉलमेंट 162747, एक बार डेसिमल मैं इग्नोर कर रहा हूं। हर साल तो इंस्टॉलमेंट सेम होता है ना, किस सेम होता है, ब्याज अच्छा, इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, तो ब्याज हमेशा 1 का 10% होगा, जिसको मैं 3 बोलूंगा। ठीक है, तो पहला साल 10 लाख का 10% कितना होता है,
वन लाख, मतलब ये 162 में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का है, तो शुरू में इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा होता है, राइट। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हुआ, अगर 162,747 में 1 लाख का इंटरेस्ट है राइट, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा एंड का, रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा, 1 में से 4 माइनस करेंगे, पॉइंट नंबर 1 था बिगिनिंग प्रिंसिपल, पॉइंट नंबर 4 था रीपेमेंट प्रिंसिपल, समझ गया ना। इंस्टॉलमेंट कभी नहीं देखना है, पहले ब्याज निकालो, जो साल के बिगिनिंग में वैल्यू पेंडिंग है उस पे ब्याज आएगा 10%। अब किस में से ब्याज हटाओ तो बचा प्रिंसिपल, बिगनिंग प्रिंसिपल से जितना प्रिंसिपल चुका दिया माइनस करो, 10 लाख में से 62,747 माइनस कर दिया कितना आया, 9,372। अब ये अगला साल का बिगनिंग हो जाएगा, नाइन थ्री सेवन टू फाइव थ्री, ठीक है। इसका 10% किया तो देखो ना, 1 का 10% करना है, 725 डेसिमल नहीं लेंगे एक बार, ठीक है। अब 162,747, अब देखो क्योंकि कुछ प्रिंसिपल पहला साल चुक गया तो अगले साल प्रिंसिपल पेमेंट कम हो गया, सॉरी कुछ प्रिंसिपल पहले चुक गया तो अगले साल प्रिंसिपल कम हो गया तो इंटरेस्ट कम फिगर पे आएगा, तो 162,747 से माइनस करेंगे 93,725, एट सिक्स एट टू थ्री वन, 868,231, तो इसका 10% करेंगे तो 868,23, 162,747 से माइनस 868,23, 75,924, 162,747 से माइनस 75,924, सॉरी 868, सेवन नाइन टू थ्री जीरो सेवन, इसमें से ये माइनस करेंगे तब जाके हमारा रिमेनिंग प्रिंसिपल आएगा,
162747 माइनस 83516, हम 1 लिया है राउंड ऑफ करके, नाइन वन देख रहे, हर साल प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईएमआई सेम है, इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो रहा है, प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ रहा है। सिक्स वन सिक्स नाइन टू थ्री, सिक्स वन सिक्स नाइन टू थ्री, 6161052 515 869, करिए करिए करिए, 111160, 404, सब सही है ना कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है मेरा? 404709, 40471, so 162747 माइनस 40471, 122276, 282433, 162747 माइनस 28243, 134504 माइनस 282433, 147929, 147929, 147933, 1 लाख 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 1 लाख
अरे काफी जगह तो अप्रोक्स किया, तो इतना सारा इंस्टॉलमेंट में हर जगह पॉइंट एक एक रुपया मारा, तो इसमें 20-25 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे,
लास्ट वाले में इस हिसाब से लेंगे जिससे कि वन मतलब ये जीरो आ जाए, और ये जीरो कब आएगा जब ये भी 147929 हो, उतना ही देने से जितना प्रिंसिपल बाकी उतना ही प्रिंसिपल रिपेमेंट लास्ट में भी होना चाहिए। तो इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस आएगा 162747 माइनस 147929 14818 25 रुपए का फर्क है। हिसाब से होना चाहिए इसका 10% 147929 का 10% करने से आएगा 14793 माइनस 14818 25 रुपए का फर्क आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाला रिवर्स कैलकुलेशन में आ जाएंगे। अब यही वाला चीज हम लोग को एक्सेल में सीखना है, ऐसे पेन एंड पेपर में तो होगा नहीं। इसी चीज को अगर मैं एक्सेल में कराऊं उसी का तुम लोग को ट्रेनिंग भी लेना है। ये पढ़ने से निखाली नहीं होगा, आगे जाके काम करने के लिए ये सारा चीज एक्सेल में बनाना आना चाहिए। अगर मैं इसको एक्सेल में बनाऊं कितना टाइम लगेगा हमको, जो इतना टाइम लगा ये देखो मेरा कितना जल्दी हो जाएगा। ये यहाँ ईयर बनाया, बिगिनिंग अमाउंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखा, इंटरेस्ट मारा है ना, प्रिंसिपल रिमेनिंग, एंड बैलेंस। ठीक है, सो सेलेक्ट किया तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यहां वन लिखा, टू लिखा, एक सेकेंड, ड्रैग नहीं हो रहा है, ये ड्रैग नहीं हो रहा, एक सेकंड रुको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
ये ड्रैग करने से पूरा ईयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर इश्यू होगा कुछ। शुरू में 10 लाख है, अब इंटरेस्ट क्या होगा इसका इंटू 10%, कंट्रोल सी डाउन करूंगा एंटर। अभी जीरो आ रहा है क्योंकि यहां फिगर नहीं है, अब जैसे जैसे यहां फिगर आएगा अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट 162747, 10 to 20 मेरा ये है, दिस माइनस दिस हो गया, कंट्रोल सी यहां नीचे डाउन किया। अभी देखो इंटरेस्ट नहीं है बोल के पूरा प्रिंसिपल आ जा रहा है, इक्वल टू बिगनिंग माइनस दिस। देखो 937253 आया। अब यहां पे क्या करना है, इक्वल टू दिस पहले वाला, देखो अपने आप ये इधर का भर गया। अब इधर में भी मैं कंट्रोल सी नीचे डाउन कर दूंगा, हमारा फिगर आ गया। हाँ अभी देखो धीरे धीरे हो जाएगा, इक्वल टू ये देखो चेंज हो गया ना, इक्वल टू ये देखो चेंज हो गया। राइट नहीं तो समझाने के लिए है, ऐसा पढ़ाई करके फायदा है क्या हुआ जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं सीखा। तो 25 का फर्क आ रहा है ना अप्रोक्स एरर। मैं इसका डेसिमल पॉइंट कम कर देता हूं, हटा दिए। ये टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे ना, सुनो छोड़ो, इक्वल टू सम है ना, और हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आया था देखो, थोड़ा अप्रोक्स एरर है बिकॉज आपने यहां पे ये पूरा नहीं लिया। देखो वो जो आपने एन्युटी फैक्टर लिया था ना 6.1444 चार डेसिमल प्लेस तक लिया, बट आगे भी था। और हम लोग आया था 627471.7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सेल में भी बनाने आ सकता है, एग्जाम में नहीं आएगा बट अल्टीमेटली इसको ऐसे ही बनाएंगे, पेन एंड पेपर में थोड़ी रगड़ते रहेंगे। कितना जल्दी बन गया देखो, फॉर्मूला लगाया फटाफट रेडी हो गया। राइट So this was loan amortization schedule. Okay. बाकी फिर हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, देखता हूँ कुछ होमवर्क दे देता हूँ।
14 होमवर्क कर लीजिएगा। फिफ्टीन भी होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीन होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, बाय।